गाइज आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ जो कि इंडिया के अंदर अभी के टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अगर आप इस चीज की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो बैठे बैठे आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमा पाएंगे, वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, कॉल करें, जानकारी लें। धन्यवाद यार पंकज, मैंने तुमको बोला था कि यार 10 लोगों से या तो पेमेंट लेकर आना हो, पेमेंट नहीं मिलता तो पैसे लेकर आना, मेरी दुकान बंद करवाओगे क्या, शटर में ताले लगवाओगे? अरे साहब कोई देता ही नहीं है। क्या बोलते हैं लोगों के झुंड लगा के तुम्हारे पास खड़े हो जाते हैं क्या मोबाइल लेते समय? हाँ, मेरे हाथ में मोबाइल दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि ले जाओ अगर ले दम हो तो। अरे यार ये वसूली के नाम से तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इतना सारा कर्जा हो गया, पापा आए दिन ईएमआई के ऊपर फोन बांट देते हैं और पैसे की वसूली नहीं होती है, तुम लोग भी नहीं कर पाते हो यार, बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे क्या हो गया, इतना क्यों हल्ला कर रहा है? अरे यार इन लोगों को वसूली के लिए भेजो, पापा एक तो सबको उधारी पे मोबाइल दे देते हैं और पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं होता। लड़का बता रहा है कि मोबाइल लेने जाता तो लोगों ने धमकाते हैं, बोलते हैं मोबाइल पड़ा है लेके जा, या तो पैसे देते ही नहीं है, इसको क्या करूं मैं यार। तो इसमें इसको क्या चिल्ला रहा है, तुझे विक्रम वेताल आपके बारे में नहीं पता है? ये कौन सी एप्लीकेशन है, इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तू बैठ जा बेटा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, इतना सिंपल सा है। अपने फोन में बस एक विक्रम वेताल ऐप डाउनलोड कर, सारी परेशानियों से अपने आप ही सॉल्व, अपने आप ही छूट जाएगा तू। अच्छा तो ये विक्रम वेताल मेरी ईएमआई का पैसा लाके दे देगी क्या मेरे को? पैसा ईएमआई का विक्रम वेताल नहीं लाके देगा, तुम्हारे कस्टमर तुमको हाथ में लेके जाएंगे। क्या बात करी यार, कैसे? बिल्कुल, तुम इतना परेशान हो जाएंगे, वो तुमको कुछ नहीं करना है। हाँ। बस मैं तुमको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास दो फोन है। हाँ। एक ये मेरा डीलर वाला फोन है। हाँ। और एक ये डेमो वाला फोन। अच्छा मैं बताती हूँ, देखो ये वो वाला फोन है जिसको मैं कस्टमर को देती हूँ। अच्छा, इसमें मेरा डीलर वाला ये डला हुआ है। ठीक है, अगर अब मेरा कोई तुझे कोई ईएमआई वापस नहीं दे रहा है। हाँ। तो तू क्या करेगा, एक रिमाइंडर देना चाहेगा। अच्छा ये रिमाइंडर से क्या होता है? रिमाइंडर दे दिया, अब उसके पास देखना इस फोन में अपने आप मैसेज आ जाएगा। अच्छा। कि आपका ईएमआई ड्यू है। हाँ ये ऊपर लिखा हुआ तो आ रहा है ईएमआई अपनी शॉप में जमा करिए और ईएमआई पेमेंट ड्यू होने से बचिए। अच्छा ये बोलता भी है। हाँ, बस तुम्हारे कस्टमर को पता चल जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर फिर भी नहीं दे रहा है। हाँ। फिर भी भीड़ लोग होते हैं। अरे बहुत भीड़ है। हाँ, देते हैं। हाँ। इतनी बार हम ही रिमाइंडर दे देते हैं, नहीं देते हैं वो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी तुम क्या करोगे, तुमको बस कुछ नहीं करना है, तुमको बस उनका फोन लॉक कर देना है। अच्छा, ही तुम्हारे पास आएंगे। क्या बात है, मतलब यहाँ से तूने ओके करा और वो मोबाइल लॉक हो जाएगा? लॉक हो जाएगा बिल्कुल। अब उसके बाद फिर तुम ये चले गए नहीं फोन, बस 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से भी कम टाइम में ये फोन अपने आप लॉक हो जाएगा। अरे हाँ यार, ये देख, अब चला के बता इसको। अरे जब तक इसमें पेमेंट देख, क्लिक टू पे आ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। जब तक इसमें पेमेंट नहीं करेगा ना कोई भी। हाँ। तब तक ये खुलेगा ही नहीं। अच्छा, और ये तेरे नंबर भी आ रहा है? हाँ। अच्छा, इस नंबर पे पेमेंट करो। हाँ। और फिर ये अनलॉक, जैसे मेरे पास पेमेंट आया। हाँ। तो मैंने यहाँ से अनलॉक कर दिया, सिंपल, ये मैंने अनलॉक का बटन दबाया। हाँ। जैसे ही मैंने अनलॉक का बटन दबाया, ठीक है, 2 मिनट के अंदर यहाँ से अनलॉक। अरे ये जैसा फोन। अरे पर ये तो सही है, पर यार तू जानती तो है कि मार्केट के अंदर ऐसे कितने रिपेयरिंग वाले हैं जो आज के समय में यही काम करते हैं कि लोगों के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं, गुम हुए फोन, चोरी हुए फोन का लॉक तोड़ देते हैं, तो वो तो यार आसानी से उसको तोड़ देंगे। नहीं, ये तब होगा ना जब किसी कस्टमर को पता रहेगा कि इसके अंदर एक ऐप है। हाँ। पर ये ऐप इनविजिबल रहेगा, किसी में कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा। चल अच्छा पता चल भी गया। हाँ हाँ। तो तू इसको फॉर्मेट कर ले, इसको रिबूट कर दे, कुछ भी कर दे, सर्विस सेंटर लेके चला जा, कुछ भी कोई इसका नहीं कर पाएगा जब तक कि मैं नहीं चाहूंगा, और तब मैं जब चाहूंगी, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे। वाह यार ये तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है यार, तुम लोग यही यूज करो, जब तुम्हारे मोबाइल की शॉप का पैसा आ जाता है ना। नहीं तो क्या, इतने टाइम में तूने कल इतनी उधारी देके रखी हुई। हाँ। कितने पैसे आते हैं नहीं आते हैं, कितना लॉस हो जाता है, इसमें तुझे जाना ही नहीं पड़ेगा कहीं किसी के पास, वो खुद आके तेरे पास देंगे तुझे। वाह यार ये तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, कभी ये मुझे चाहिए तो कैसे मिलेगी यार? ये देख, तू नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर। हाँ। तेरे को डीलरशिप मिल जाएगी। हाँ। और उसके बाद फिर तू ये एप्लीकेशन उनके फोन में डाउनलोड कर देना। अच्छा वाह यार, बात है, तुझे अगर इसकी डीलरशिप चाहिए वो तुझे फ्रेंचाइजी दे देंगे। अच्छा। उसके बाद फिर उधर वो तुझे 200 कोड देंगे, 200 लोगों को तू ये आराम से आगे दे सकता है। हाँ हाँ। तूने अगर, तेरा तो इतना बड़ा काम है, ठीक है, बहुत सारे छोटे मोटे लोग भी होते हैं वो, अरे बहुत सारी दुकान वाले अपने साथ जुड़े हुए हैं यार, वही परेशान होते रहते हैं। नहीं तो क्या, तेरे बहुत सारे दोस्त भी होंगे। हाँ, उनको भी पता, फिर
फिर उससे पता है क्या होगा, वो जो उनको तुझसे तुझे उनसे पैसे भी मिल जाएंगे, उसके बाद फिर उनको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तेरा अब तो बैठे बैठे कमाई हो ही रही है, प्लस तुझे प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, उनको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। वाह यार, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। लड़कों को भेज भेज के परेशान था, इनकी भी सैलरी बच जाएगी और एक ही काम से मेरे इतने सारे काम हो जाएंगे। बैठे बैठे मोबाइल भी फाइनेंस कर सकता हूँ और पैसे नहीं देता तो तुरंत लॉक भी कर सकता हूँ। मात्र 54,000 रुपए में तू ये इतना सब कुछ कर सकता है। वाह यार, मैं ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो इसका आज ही लूंगा। मैं आज ही कॉल करता हूँ कंपनी वालों के पास और इसकी फ्रेंचाइजी लेता हूँ।